So in sharks, what we have discussed, that the placoid scales will ultimately go and form the teeth. तो यही वो दिखा रहा है उसको, ठीक है? चलिए, तो वो ऊपर से आएगा एंड इधर से शेड होता होता जाएगा, ओके? चलिए, अब ये आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो. तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ शार्क, ये उसके खूबसूरत एंड अट्रैक्टिव टीथ, ये आपका देख रहे हो. सो दिस इज ए व्हाट, मर्मेड्स पर्स, इसको एग पाउच भी बोला जाता है. ये है स्टिंग रे, ओके? स्टिंग रे ने स्टिंग किसको कर दिया था, डॉक्टर स्टीव अरविन, डिस्कवरी चैनल को स्टिंग करके मार दिया था. दिस इज योर रैट फिश, ओके? एंड दिस इज योर कारकेरिनस, ओके? तो ये है शार्क्स आर फास्ट स्विमर्स विद एक्यूट सेंसेस लाइक ऑल, दे हैव पेयर्ड इरेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, ठीक है? उसके बाद आ जाइए, ये देखो प्लैकॉइड स्केल्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये आपका वही जो टीथ फॉर्मेशन, ओके? अब चलेंगे हम लोग किस में, बोनी फिशेस, ओके? तो बोनी फिशेस, ऑस्टियन मतलब बोन, इक्थियस मतलब फिश, ओके? तो अराउंड 20,000 के आसपास स्पीशीज हैं, इनहैबिट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर, चाहे वो फ्रेश हो, चाहे वो मराइन हो, चाहे वो ब्रैकिश हो, चाहे वो सॉल्ट वाटर हो, चाहे वो वार्म वाटर हो, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, हर तरह का ये इनहैबिट करते हैं. बॉडी अगेन स्पिंडल शेप स्ट्रीमलाइंड, ये तो फिशेस का जनरल फीचर है. फिन्स बोथ मीडियम एंड पेयर्ड, सपोर्टेड बाय फिन रेज ऑफ कार्टिलेज और बोन, ओके? टेल इज होमोसर्कुलर, ये है. बट फर्क क्या है कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस है उनके फिन्स जो है मोटे मोटे मटनी होते हैं, ओके? दे आर थिक थिक फ्लेशी फिन्स. बट जो जो हमारा जो मछलियां हैं बोनी फिशेस, उनका जो फिन्स है वो क्या है, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज मेम्ब्रेनस, वो पूरा पतला होगा एंड उसमें सपोर्टेड फिन रेज होंगे. हैव यू एवर ईटन दोज फिन्स, मछली खाते समय कभी खाए हो तो देखो कि कितना सारा कांटा उसमें से निकलता है. खाओ ना, आप नहीं खाओगे तो पढ़ोगे कैसे? तो जब आप टेल खाते हो तो टेल का वो फिन्स को आप उसका जो फिन्स को चाट चाट के खाते हो. लांजा मच्छा बहुत काटे होते हैं तो लांजा मच्छा में नहीं, उसका जो पिछले वाला जो फिन होता है जिसको वो काट देता है, थोड़ा सा बस छोड़ देता है, उसको खाओ एकदम एंड में जो होता है, ओके? उसी तरह से जो आपका डॉर्सल फिन है उसको खाओ. बिकॉज फिश ऑयल इज द बेस्ट ऑयल माय डियर, फिश ऑयल इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो वो काफी हेल्दी होता है. समझ में? चलिए, सो दैट इज द केस. नाउ आपके अलग अलग तरीके के स्केल्स होते हैं, गैनोइड, कॉस्मोइड, साइक्लॉइड, टीनोइड, एंड किसी किसी में स्केल्स नहीं भी होगा, ओके? बट प्लैकॉइड स्केल नहीं होगा, ओके? मैं दिखाऊंगा तो अब आप वहां डिस्कस करेंगे. तो एंडोस्केलेटन बोनी है, ओके? बट जो स्टर्जियंस हैं उनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, क्योंकि वो काफी बड़े मछलियां हैं एंड काफी फ्लेक्सिबल है, तो इसीलिए इतना फ्लेक्सिबल बोनी नहीं हो सकता, ओके? नाउ माउथ टर्मिनल जॉज यूजुअली विथ टीथ एनस प्रेजेंट, समझ रहे हो? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. गिल्स कवर्ड विथ ऑपरक्यूलम, ओके? नाउ उसके बाद इनमें एक एयर ब्लैडर होता है कि नहीं? तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, यू विल नेवर फाइंड ए शार्क रेस्टिंग. आप जब भी शार्क को देखोगे वो स्विम कर रहा होगा, उसे रेस्ट करते हुए कभी नहीं देखोगे. जनरली वो लोग बहुत थक जाते हैं ना, तो वो गुफाओं के अंदर घुस जाते हैं, वहां कुछ देर वो रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुफाओं के नीचे कॉलम प्रेशर नहीं गिरता. कॉलम प्रेशर किस पे गिरेगा? गुफा पे. तो इसलिए शार्क बच जाता है. बट अदरवाइज तो शार्क्स जो है दे डोंट हैव एनी एयर ब्लैडर. सो व्हेन देयर इज नो एयर ब्लैडर, सो दे कैन नॉट स्टे एट ए पॉइंट, सो दे विल सिंक. तो शार्क डूब जाएगा.
देख रहे हो कितना हसी और कितना मजाक वाला स्टेटमेंट है, मछली डूब जाता है, है कि नहीं? डोंट यू थिंक इट इज अ वेरी क्या वेरी फुलिश स्टेटमेंट? अरे हाउ विल अ फिश सिंक? तो हर मछली का अपना एक डेजिग्नेटेड लेवल होता है, वो उसके नीचे नहीं जा सकता, अंडरस्टूड? तो क्यों? बिकॉज वो उससे ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट बोनी फिशेस क्या होते हैं, उनमें एयर ब्लैडर होता है। अब ये जो एयर ब्लैडर क्या करता है, ये आपका उसमें वो लोग एयर भर देते गैस, व्हेन दे फिल इट विद गैस तो व्हाट हैपेंस, तो बोयेंसी उस पे बढ़ जाता है, वो बोयेंसी बढ़ जाता है, बोयेंट फोर्स इंक्रीजेस, वो जहां चाहे वहीं खड़े रह सकते हैं। इवन अगर आपके घर में एक्वेरियम है, आप देखोगे कि जो मछलियां हैं वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं रात को, जब आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो वो लोग भी रेस्ट करते हैं। तो अगर आप सडनली उनको देखोगे, यू विल फील एज इफ दे आर स्टैंडिंग एट ए पॉइंट। सो हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू व्हाट? एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर, तो जब मम्मी खरीद रही होगी ना मछली, तो ये एयर ब्लैडर भी निकलता है उसमें से, अंडरस्टैंड? चलिए, तो ये जो एयर ब्लैडर है वो उसको बायंसी प्रोवाइड करता है। इन लंग फिशेस, तो सबसे पहले एयर ब्लैडर वॉज मॉडिफाइड इनटू लंग्स, एंड उन मछलियों को हम क्या कहते हैं? डिप्नोई। डाई का मतलब क्या है? टू। प्नोआ का मतलब है ब्रीदिंग, PNOEA। तो डाई मतलब टू, प्नोआ मतलब ब्रीदिंग। तो इसलिए डिप्नोई का मतलब क्या है बताइए? टू ब्रीदिंग ऑर्गन, इनके पास दो ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं। कौन कौन सा बोलिए? लंग्स एंड गिल्स। नाउ इनमें कुछ मछलियां ओनली गिल्स ब्रीद करते हैं भले ही लंग्स हो, एंड कुछ मछलियां ओनली क्या लंग्स यूज करते हैं इवन इफ दे हैव गिल्स, ठीक है जी? चलिए, तो दे आर, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड टेट्रापॉड्स, ठीक है जी? उसी तरह जो हमारा फिन्स लेंगे, तो आपका जो सीलाकैंथ है, तो डिप्नोई भी लंग आ जाएगा आपका बोनी फिश में, एंड सीलाकैंथ भी आ जाता है बोनी फिश में। तो ये जो बोनी फिश है आपका डिप्नोई एंड आपका सीलाकैंथ, तो ये दोनों में क्या है? देयर हैवी फिशेस, एंड इन सीलाकैंथ दे हैव व्हाट बताइए? उनके जो फिन्स हैं वो मोटे मोटे फ्लेशी हैं, लोब्ड फिन्स हैं, ओके? एंड माने दे जनरली यूज टू क्रॉल इन द ग्राउंड, ओके? तो इसीलिए सीलाकैंथ इज कनेक्टिंग लिंक ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल, डिप्नोई इज कनेक्टिंग लिंक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। चलिए, हार्ट दो चैम्बर्ड है, क्या क्या है बोलो? साइनस, ऑरिकल एक वेंट्रिकल, बट साइनस वर्सेस एंड उसके पास क्या है? बल्बस आर्टेरियोसस। तो इसका जो साइनस है वो ऑरिकल को हेल्प करता है, एंड बल्बस आर्टेरियोसस जो है वो किसको हेल्प करता है? वेंट्रिकल को। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, नाउ आरबीसी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। They are also cold blooded. Now, since they are freshwater mostly, since they have air bladder, so they can drink as much water as possible. है कि नहीं? तो आप ज्यादा पानी पी लिए तो क्या हो जाएगा? भारी हो जाएंगे। अगर भारी हो गए तो क्या करेंगे बोलो? Air bladder में और हवा भर देंगे। और हवा भर लेंगे, तो इससे क्या होता है? दे कैन एक्सक्रीट एमोनिया, ओके? तो वो एमोनिया एक्सक्रीट कर सकते, अंडरस्टूड? बट इन केस ऑफ योर व्हाट, इन केस ऑफ योर कार्टिलेजिनस फिशेस, दे कैन नॉट ड्रिंक मोर वाटर, इसीलिए दे आर बाउंड टू बी व्हाट? यूरियोटेलिक, अंडरस्टूड? चलिए, तो अब समझ में आ गया।
क्योंकि एमोनोटेलिक आसान होता है बट प्रॉब्लम क्या है बोलो? अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, ज्यादा पानी चाहिए उसे डाइल्यूट करने के लिए। फेंकने के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए क्योंकि आप इसको एक सेकंड के लिए भी रख नहीं सकते। बना फेंको एंड सो ऑन। तो इसलिए अगर आप पानी पी ही नहीं सकते तो फेंकोगे कैसे? अंडरस्टूड? सो दैट इज द केस। नेक्स्ट आ जाइए, क्या जो हमारा आ जाएगा किडनीज। तो किडनीज मेसेनेफ्रिक है, हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे। ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। क्रैनियल नर्व्स 10 पेयर। लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स वेरी वेल डेवलप्ड। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ओके, ये सब आप समझते हो कि नहीं? सेमी सर्कुलर कैनाल उसको बैलेंस करने में मदद करता है, बट डाटा कौन देता है? लैटरल लाइन सिस्टम। लैटरल लाइन, बट हमारा भी सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंस करता है, बट हमारा डाटा कौन देता है बोलिए? इंटर मीडियल ईयर, ईयर ऑसिकल्स, है कि नहीं? तो हमारे जो ईयर ऑसिकल्स है वो खबर देते हैं, अंडरस्टूड? बट उनके केस में ईयर ऑसिकल्स होता नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग बताइए? लैटरल लाइन सिस्टम खबर देता है, इंटरनल ईयर बैलेंस करता है, बैलेंस करने में मदद करता है। चलिए, तो सेक्सेस सेपरेट है बट मे नॉट बी डायोशियस, एडाइमॉर्फिक, है कि नहीं? मतलब आप देखकर मेल फीमेल नहीं बना सकते। तो उसके बाद आ जाइए, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बाहरी होगा, मोस्टली ओविपैरस, रेयरली विविपैरस या ओविपैरस। चलिए, ये हो गया हमारा। इसमें कोई लार्वल फॉर्म दोनों में ही नहीं होता, ना उसमें होता है ना इसमें होता है। लैबियोरोहिटा किसको कहते हैं? रोहू मछली। ओके, कतला कतला किसको कहते हैं बोलो? भाकुर मछली। तो भाकुर को हम लोग कतला कतला कहते हैं, अंडरस्टूड? तापरे एक्सोसीटस क्या है? फ्लाइंग फिश। तो फ्लाइंग फिश जो है वो एक्सोसीटस है। एंड एनाबास को क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग पर्च। ओके, क्यों? वो बार बार ऊपर आता है सांस लेने के लिए। आप ये देखिए, सारे फिन्स देख रहे हो, फिन रेस संकी, तो देख रहे हो? Yes. Membranous fin with fin rays. मतलब समझ में आया? तो ये Yes. जौरी जैसा उसका फिन है एंड ये जो कांटे है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ आप देखिए, ये है आपका डॉर्सल फिन, ये आपका सेकंड डॉर्सल फिन कह लो। ओके, ये नीचे वाला है, ये इधर आपका पेक्टोरल होगा, ये थोड़ा पेल्विक थोड़ा आगे आ गया ज्यादा, इधर एक एनल फिन होता है, ठीक है? ये एनल फिन है और क्या, दिस इज एनल फिन, ये पेल्विक फिन, एकदम सामने पेक्टोरल फिन होगा। ओके, मेरे ख्याल से ड्राइंग गड़बड़ कर दिया, ये थोड़ा और पीछे आना चाहिए था ये वाला। ओके, सो लाइक दैट, ये इट इज लाइंग बिटवीन पेक्टोरल एंड पेल्विक, है कि नहीं? चलिए, ये ज्यादा क्लियर दिख रहा है, तो ये देख रहे हो पेल्विक फिन कहाँ है? ये एनल फिन है, यहाँ पेक्टोरल फिन है। देख रहे हो कितना गजब का ड्राइंग सब है, बट आप फिर भी कालू नोट लेते हो, ये नोट नहीं लेते हो, है कि नहीं? एंड होमो सर्कल टेल देख रहे हो, बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड्स। लैटरल लाइन दिख रहा है, एकदम डार्क सा एक लाइन दिखेगा, तो इसको लैटरल लाइन कहते हैं। इसमें न्यूरोमास्ट ऑर्गन, ठीक है? ये देखो उसका ब्रेन है, ये गिल स्लिट्स है, ये लिवरवा है, ये गॉल ब्लैडर है। ओके, आंसर, ये आपका ओवरिया टेस्टिस कुछ होगा, है कि नहीं? चलिए, तो ये आपके अलग अलग मछलियां हैं। सो ये है सी हॉर्स, तो सी हॉर्स इज द लोगो ऑफ जेएस क्लासेस, है कि नहीं? हमारे लोगो में भी ये होता है। यस सर। हैव यू सीन इट ऑन ना? यस सर। यस सर। यस सर। देख रहे हो, तो दिस इज द लोगो ऑफ जेएस क्लासेस, तो ये सीहॉर्स है हमारा। चलिए, आप लोग ये नोट लेते तो आपके पास भी होता और क्या। चलिए, ये देखो और भी हम लोग देखेंगे एक्चुअली इसके आगे। आपने क्लास पर नहीं दिखाया कॉन्ट्रैक्टाइटिस में, वो देखते हैं अगर मिलेगा तो दिखा देंगे। ये देखो, ये देख रहे हो सोर्ड फिश, देखो कितना खतरनाक सोर्ड है। एंड अगर इनके रास्ते आप आते हो
एंड ए लॉट ऑफ पीपल आर किल्ड बाय स्वॉर्डफिश अटैक. क्यों मालूम है? वो मारते नहीं है, वो लोग अपने रास्ते जा रहे हैं. अगर तुम्हारा बोट उनके रास्ते आ गया तो क्या करेगा? इफ योर बोट इज कटिंग परपेंडिकुलर तो दे विल फ्लाई, दे विल जंप ओवर योर बोट. एंड इफ यू आर स्टैंडिंग देयर, देयर स्वॉर्ड विल एंटर इन टू योर हार्ट. ठीक है? नहीं तो लाइक दैट. तो ये काफी खतरनाक होता है. एंड इसीलिए अगर आप हैं तो मैंने, अगर आप उनके रास्ते में हैं तो अलग हो जाइए, दैट नोबडी कैन सेव यू. या फिर आप उनसे छुप जाइए, ठीक है? नहीं, लेट देम पास. ये आपका फ्लाइंग फिश है, देख रहे हो एक्सोसीटस, ये अपना उड़ रहा है. ये देखो, ये है ऑस्ट्रेलियन लंग फिश नियोसेराटोडस. ये देख रहे हो डंक्लियोस्टियस. तो देखिए ये 0.5 मीटर है, मतलब ये कितना होगा बोलिए? 2 मीटर. दो आ क्या, 2.5 मीटर के आसपास है. तो मुंडी ही 2.5 मीटर का है रे बाबा, मतलब इसके मुंडी के आप जो स्थित है वो यहाँ खड़ा हो सकता है कि नहीं? अगर आप साइड वाइज भी देखोगे तो ये 2 मीटर लंबा होगा ना, तो आप इसके अंदर आराम से खड़े हो सकते हो यहाँ से यहाँ तक. तो ये डंक्लियोस्टियस का फॉसिल हेड है, ये एक फॉसिल है. ओके, ये ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है, ये आपका जो है साउथ अमेरिकन लंग फिश है. ओके, चलिए देखो इट्स जॉ स्ट्रक्चर, देख रहे हो, कुड एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 560 kg/cm². ठीक है? नहीं तो कितना खतरनाक था, आप सोचिए. चलिए ये आपका ईल मछली है, देख रहे हो बिग ईल. चलिए ये सब तो आपको नहीं चाहिए ना. इसलिए एज ऑफ फिशेस हम किसको बोलते हैं? डेवोनियन पीरियड, ये याद रखना. तो अगर हम लोग एक्चुअली ये तो इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे, तो एज ऑफ फिशेस जो है वो डेवोनियन पीरियड कहलाता है. मतलब डेवोनियन पीरियड में मछली बल्ले बल्ले कर रहे थे. द होल वर्ल्ड माने फिशेस आर द डोमिनेटिंग स्पीशीज. ओके, चलिए अब ये देखिए टाइप्स ऑफ स्केल्स. तो देख रहे हो ये आपका माइक्रोस्कोपिक प्लैकॉइड स्केल है, ये डायमंड शेप के गैनोइड स्केल्स हैं, सर्कुलर मार्जिन के साइक्लॉइड स्केल्स है, एंड रेक्टेंगुलर आपके टीनॉइड स्केल्स है. ओके, चलिए तो ये आपका अलग अलग तरह का मछलियां हैं. चलिए ओके, सो मैनी डिफरेंट टाइप. ये तिक्तलिक है, तिक्तलिक को हम लोग फिशापॉड बोलते हैं. दिस इज द थर्ड कनेक्टिंग लिंक, समझ आया? तो ये है थर्ड कनेक्टिंग. यस, इसको तिक्तलिक बोला जाता है. इसका ओनली फॉसिल इज फाउंड, नो लिविंग फाउंड. ओके, इसलिए उसको फिशापॉड बोलते हैं. ओके, फिश एंड टेट्रापॉड. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है स्टोरी. Paleontologists were on the hunt of fossils that could shed light on the evolutionary origin of tetrapods. Based on the ages of previously discovered fossils, researchers were looking at dig site with rocks up to 65 to 385 million years old. इसको Ellesmere Island बोलते हैं, in the Canadian Arctic. Was one such site that was also likely to contain fossils because it was once a river. The search at this site was rewarded by the discovery of fossils of 375 million year old lobe fin named Tiktaalik. ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए हमारा टेट्रापोडा. तो टेट्रापोडा में क्या है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एम्फीबिया कॉल. ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एम्फीबिया. तो एम्फीबिया का मतलब क्या है बताइए? एम्फी मतलब बोट, बायोस मतलब means to लिविंग. बायोस मतलब लिविंग, यस लिविंग या हैबिट, हैबिटेट कुछ भी बोल. सो इसलिए ये लोग एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक, फ्रेश वाटर, नो मैराइन एम्फीबियन इज फाउंड. बिकॉज एम्फीबिया का जो एक्सोस्केलेटन है उसमें आपका क्या है, उसमें नहीं मिलता है कोई मॉइस्ट स्किन. यस देयर इज मॉइस्ट स्किन, देयर इज नो एक्सोस्केलेटन.
इसलिए अगर मराइन कंडीशंस में डालोगे तो क्या मिलेगा? सुखुआ. ओके, तो आपको सुखुआ मिलेगा. यस. तो इसीलिए प्लीज रिमेम्बर, यू विल नेवर फाइंड आपका मराइन एम्फीबियंस. ये एक पीएमटी क्वेश्चन है. क्लियर? हेड डिस्टिंक्ट, ट्रंक एलोंगेटेड, नेक, टेल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट. ओके, नेक जनरली एब्सेंट होता है, टेल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. ओके, नाउ स्किन सॉफ्ट मॉइस्ट. ओके, स्किन इज सॉफ्ट मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर. इसमें पिगमेंट सेल्स हो सकते हैं, क्रोमेटोफोर्स. तो व्हाट आर क्रोमेटोफोर्स? ये कलर देंगे. ओके, इसलिए अ लॉट ऑफ देम आर ब्यूटिफुल इन कलर. ओके, खूबसूरत कलर उस पे दिखता है. एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट. डिजिट्स आर क्लॉलेस. इनकी जो उंगलियां होंगे इनमें क्लॉज नहीं होंगे. ओके, एंडोस्केलेटन बोनी, जनरली बोनी होगा. ओके, स्कल में दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होंगे. इसका मतलब उनका स्कल कैसा होगा? डाइकोंडाइलिक. तो हमारा भी डाइकोंडाइलिक है, एम्फीबिया का भी डाइकोंडाइलिक है. सर, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का मतलब क्या होता है? अब वो तो अब तुम इतना देर में पूछेगा तो कैसे होगा. एक्चुअली हमारा जो स्कल है, अब इसने पूछ दिया यार संकल्प इसने पूछ दिया यार, क्या किया जाए इसको? फिजियोलॉजी में तो पढ़ेंगे. क्या किया जाए इसका बताओ? इसको कौन सा सजा दिया जाए? तो उस टाइम पे इजी होगा. इसको कौन सा सजा? तुमको तो हम हजार बार दिखा देने से भी इजी नहीं होगा. तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़े हैं ना टेंथ में. अब आपको कहाँ से दिखाएं बताओ? इसके लिए फिर हमें खोलना पड़ेगा कौन सा फोल्डर? मूवमेंट एंड लोकोमोटियन. ओके, तो मूवमेंट एंड लोकोमोटियन में आपको दिखेगा. कौन सा व्यू देखना पड़ेगा ना रे बाबा? ये रहा, इस व्यू में दिखेगा. दिख गया? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है. क्यों नहीं करते हो तुम स्क्रीन शेयर? पी बताओ, डाउट भी पूछता है, स्क्रीन भी शेयर नहीं करेगा तो कैसे होगा? तो देख रहे हो? सो ये है बॉटम व्यू ऑफ आवर स्कल. ये हम तुम्हारा खोपड़ी उखाड़ के नीचे से झांक रहे हैं. तो ये देख रहे हो, वन एंड टू. तो ये क्या है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. कोई शक? नो सर. ये है फोरामेन मैग्नम. आपका ब्रेन इसके अंदर से नीचे निकलेगा एंड बन जाएगा क्या? स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन ब्रेन इधर से निकल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ज्वाइन करता है. Yes. तो ये आपके किसके साथ ज्वाइन करेगा? फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ, एटलस बोन के साथ. तो पहला बोन के साथ ज्वाइन करेगा एंड कौन सा मोशन बोलेगा? यस मोशन. तो जो आप मुंडी नड़ नड़ करते हो, सैम मुंडी नड़ नड़ करके दिखाओ. शो योर हेड नड़ नड़ ऐसे, ये वाला. तो ये जो मोशन है, सो ये क्या है? ये स्कल एंड आपका क्या है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बीच का मोशन है. समझ आया? एंड नो किसको बोलते हैं? एटलस एक्सिस. तो एटलस एंड एक्सिस के मूवमेंट को नो बोला जाता है एंड स्कल एंड एटलस के मूवमेंट को यस बोन. इसलिए एटलस को हम क्या बोलते हैं? यस बोन. एक्सिस को क्या बोलते हैं? नो बोन. हम पढ़ेंगे मूवमेंट लोकोमोशन. ठीक है, चलिए फिर चला जाए आगे. नाउ अब आ जाइए, इन केस ऑफ एम्फीबिया लिम्स जो है टू पेयर्स होंगे, इसीलिए टेट्रापॉड हो गया. बट इनका जो टोज है
वो अलग अलग होता है. ओके, जनरली फोर लिम्स में फोर पेयर होंगे एंड हाइंड लिम्स में फाइव. तो इसलिए हम लोग हाइंड लिम्स को पेंटाडैक्टाइल बोलेंगे एंड फोर लिम्स को टेट्राडैक्टाइल. अंडरस्टूड? चलिए, माउथ बड़ा yes. होगा, लार्ज माउथ, होमोडोंट, आइसोडोंट, पॉलीफोडोंट, एक्रोडोंट, टीथ. ये तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं. होमो मतलब सारे दांत एक जैसे, एक्रो मतलब प्लेस्ड ऑन द जॉ बोन, पॉलीफियो मतलब बार बार गिरेगा, तो बार बार सेट्स आएंगे. जितने बार गिरेगा उतने बार आएगा, कोई टेंशन नहीं. चलिए, टंग इज प्रोट्रूसिबल मतलब वो बाहर फेंक सकता है. आप जानते हो ना, हमने लिखा था टंग क्या है, फिक्स्ड है इन एंटेरियरली एंड फ्री पोस्टेरियरली, माने टिप में फिक्स होगा, पीछे फ्री होगा. इसलिए वो क्या करता है, उस टंग को फेंकता है अपने प्रे के ऊपर. तो जैसे ही वो प्रे के ऊपर फेंकेगा तो क्या होगा, वो उसको खाने में यूज कर सकता है. ओके, कोई शक? नो सर. चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट है. अब आ जाइए जो एक्चुअली, एक सेकेंड, उसको भेज दिया जाए. एक सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड. कौन है रे बाबा? चलिए, हो गया. ओके, तो अब हम लोग चलते हैं. वो एक्चुअली जो बच्चे हैं आ गया. चलिए, तो अब जो इनका जो स्किन है, इसमें क्या जो स्किन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, स्लाइम ग्लैंड होंगे, म्यूकस ग्लैंड होंगे. ओके, म्यूकस ग्लैंड क्या करेगा, वो आपका स्लिपरी सिक्रीशन करेगा एंड सेरस ग्लैंड जो है वाटरी सिक्रीशन करेंगे. ओके, नाउ किसी किसी में पैरोटिड ग्लैंड जो है, जिसे टोड होता है, टोड में पैरोटिड ग्लैंड पॉइजन सिक्रीट करता है. ओके, नॉट पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्लैंड क्लोज टू ईयर्स. तो जो कान के पास होंगे ग्लैंड, वो जहर प्रोड्यूस करते हैं. अंडरस्टूड? नाउ रेस्पिरेशन जो है मेनली लंग्स होता है. माने अगर आपको पूछा जाए विच इज मेनली यूज्ड, तो मेनली यूज कौन सा है, लंग्स. लंग्स which is always used, skin. Skin. Okay? Yes. Skin बाहर भी use कर सकते हो, मिट्टी के नीचे भी use कर सकते हो, कहीं भी use कर सकते हो. Understood? So skin you can use anywhere, but you cannot use your lungs in the during hibernation या extubation. तो मिट्टी के नीचे जब हो गए, तो how will you use? तो इसलिए skin is the organ which can be used anytime. Main respiratory organ is what? Lungs. In larva, even gills are present. ठीक है, larva में gills होता है, क्योंकि आप जानते हो इसमें tadpole larva होता है, and tadpole larva के साथ हम एक चीज जानते हैं, क्या बताइए, what is there in, what is important about tadpole larva? Retrogressive metamorphosis. माने उसका, उसके साथ हम जानते हैं कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा, है कि नहीं. चलिए, हार्ट थ्री चैम्बर, टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल. तो राइट ऑरिकल डीऑक्स ब्लड रिसीव करेगा, लेफ्ट ऑरिकल ऑक्स ब्लड रिसीव करेगा. ओके, बट साइनस वेनोसस कहाँ खुलेगा, राइट ऑरिकल. ओके, एंड वेंट्रिकल से क्या निकलेगा, ट्रंकस आर्टेरियोसस. ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी कल बात कर चुके हैं, आपको जो नोट दिया है उसमें भी लिखा हुआ है. नाउ आई एम श्योर यू वुड लाइक दिस नोट आल्सो. यस सर. चलो, बट ये तो मिलेगा नहीं, आप जानते हो, ये नोट तो आपको नहीं दिया जाएगा जल्दी, बिकॉज आप लोग पढ़ते नहीं हो ना,
ये नोट लेकर आप कालू वाले को दे दोगे। चलिए तो उसके बाद आ जाइए इनमें जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं एंड किडनी इज मेसोनेफ्रिक, ठीक है, मेसोनेफ्रिक किडनी होता है एंड क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर। ब्रेन पुअरली डेवलप्ड बट सारे ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं, सारा पार्ट डेवलप्ड होता है। ओके, नॉस्ट्रिल्स जो है इट इज कनेक्टेड टू बकल कैविटी। ओके, मतलब हमारा भी जैसे नॉस्ट्रिल है वो हवा तो माउथ में भी आता है कि नहीं आता है, तो लाइक दैट। तो मिडिल ईयर विथ ए रॉड लाइक ऑसिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। तो ये जो कॉलुमेला ऑरिस है एक्चुअली क्या है, ईयर ऑसिकल अब शुरू हुआ, तो इनके पास एक ही ईयर ऑसिकल होता है। ऑसिकल का मतलब क्या है, बोन, फाइन। तो इनके पास एक ही ईयर ऑसिकल होता है, दैट इज कॉल्ड कॉलुमेला ऑरिस। बट स्टेप्स होता है, बट वो कार्टिलेजिनस होता है, इसलिए हाउ मेनी ईयर ऑसिकल्स, वन, बट स्टेप्स ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, बट इन दिस केस स्टेप्स इज नॉट ए बोन, इसलिए हम उसको ऑसिकल नहीं मानते। क्लियर। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डाइमॉर्फिक भी होता है। नाउ मेल जो है, मेल एक्चुअली हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ मेल, तो जनरली आप जब मिलन होगा, व्हेन यू आर सीइंग ट्विन फ्रॉग्स, मतलब दो दो फ्रॉग जुड़े होकर स्विमिंग कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्रेम आलिंगन, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्लेक्सस। तो एम्प्लेक्सस में जब आप फ्रॉग देख रहे होगे, तो ऊपर वाला जो फ्रॉग है वो छोटा होगा एंड नीचे वाला जो फ्रॉग है वो बड़ा होगा। तो जो नीचे वाला फ्रॉग है वो फीमेल है, वो फीमेल, जो छोटा वाला फ्रॉग है वो मेल है। अंडरस्टूड? तो मेल फ्रॉग इज स्मॉलर, फीमेल फ्रॉग इज लार्जर। दूसरी बात, जो मेल है उसमें वोकल सैक्स होते हैं, ओके, जिससे वो प्रेम गीत गाता है। तो हमारे हीरो भी गाना गाते हैं ना, तो लाइक दैट, उसी तरह वो लोग भी गाना गाते हैं लड़की पटाने के लिए। एंड उनका जहां थंब होना चाहिए, इनका तो थंब नहीं होता, हमने क्या डिस्कस किया, फोर लिम्ब इज जनरली टेट्राडैक्टाइल। तो जहां थंब होना चाहिए वहां एक स्टिकी पैड होता है, उसको एम्प्लेक्सेसरी पैड, नहीं एम्प्लेक्सेसरी, AMPLEXUSORY, ओके, एम्प्लेक्सेसरी पैड्स। तो ये जो एम्प्लेक्सेसरी पैड होता है, ये फीमेल को कस के पकड़ने के लिए होता है, माने एक बार वो फीमेल पकड़ में आ गई ना, अब वो छूटेगी नहीं, तो वो ग्रिप करने में मदद करता है। नाउ वोकल सॉक्स गाना गाने में मदद करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि नहीं, जो छोटा फ्रॉग, सैम डू यू नो और नॉट, छोटा फ्रॉग अपने गर्लफ्रेंड को क्या ऑफर करता है, रोटी रोटी, रोटी रोटी, रोटी रोटी, रोटी रोटी, तो क्या ऑफर कर रहा है छोटा फ्रॉग, बताओ, रोटी, हाँ, रोटी 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 वो बोलता है, सुनते नहीं हो उनका गाना रोटी 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 रोटी। तो अब क्या हमारे यहाँ जितने भी गर्ल्स हैं, सैम है, प्रगति है, टैप्स्विनी है, नैंडीटा है, क्या आप लोग रोटी से पट जाओगे, बताइए, अगर कोई आपको रोटी ऑफर करता है तो पटोगे कि नहीं पटोगे, जल्दी बताओ, नहीं सर, नहीं पटेंगे भाई, इतना लो वैल्यू थोड़ी है हमारा। तो आजकल ये छोटे फ्रॉग भी समझ रहे हैं, तो इसलिए आजकल वो लोग क्या ऑफर करते हैं, टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी। तो व्हाट इज टूटी फ्रूटी, बोलिए, फ्रूटी, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम, आइसक्रीम, इट इज अ वेरी वेरी फेवरेट आइसक्रीम। तो इसलिए आजकल जो छोटा फ्रॉग है वो टूटी फ्रूटी ऑफर करते हैं, तब लड़कियां पट जाती हैं। बट जो बड़ा फ्रॉग है वो क्या ऑफर करता है, पुलाव,
पुलाव 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 क्या ऑफर कर रहा है वो पुलाव अब पुलाव से तो कोई भी पड़ जाएगा है कि नहीं तो लाइक दैट तो क्यों पुलाव बोल पा रहा है बोले उसका बड़ा एयर सैक है तो आराम से भरता है हवा पुलाव ओके एंड जो छोटा बेंगो है उसका छोटा छोटा एयर सैक होता है टूटी फ्रूटी ऐसे करता है समझ रहे आ गया मजा सो दिस इज देयर मेटिंग कॉल ओके सो दिस इज द मेटिंग कॉल फाइन चलिए सो ये हमारा कंसेप्ट है तो अब हम आगे चलते हैं ठीक है जी तो आप आ जाइए तो इसलिए मेल विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन तो मेल में भी कोई पेनिस वेनिस नहीं होता है इसलिए इनका कॉपुलेशन कैसा होता है बोलिए फॉल्स तो नो कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉपुलेशन इज फॉल्स ठीक है तो कॉपुलेशन इज फॉल्स एंड इनका जो एग है वो नॉन क्लेडोइड होगा ये तो मैंने आपको दिखाया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में इनका एग कैसा होता है नॉन क्लेडोइड मतलब इसमें कोई शेल नहीं होता अंडरस्टूड चलिए तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड इनका एक लार्वा होता है लार्वा का नाम क्या है बताइए लार्वा इज टैडपोल एंड उसे भी पानी छोड़कर जमीन में आना पड़ता है तो दैट इज वाई तो क्या होगा सो जमीन में आना पड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सो दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ठीक है जी चलिए समझ में आया तो एग्जांपल है राना टाइग्रीना तो राना टाइग्रीना इज आल्सो कॉल्ड फ्रॉग बुल फ्रॉग ओके बुफो मेलानोस्टिक्टस ये है टोड जो घर में घूमते हैं सी फ्रॉग आपने शायद देखा नहीं होगा फ्रॉग वाटर बॉडीज में मिलता है पर आपके घरों के आसपास जो घूमते हैं दे आर टोड्स ओके एलाइटिस एलाइटिस क्या होता है मिडवाइफ टोड वो क्या करती है अपने जांघों के बीच में अंडे को रखती है सो दैट इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट पैरेंटल केयर है कि नहीं उसके बाद पीपा अमेरिकाना सूरीनाम टोड होता है वो क्या करता है उसके पीठ में अपने बच्चों को रखता है हाइला आर्बोरिया इज ट्री फ्रॉग एंड फाइलोबेटस इज पॉइजनस फ्रॉग इस तरह से आपके एग्जाम्पल हैं तो जॉर्ज किंग्सले नोबल ने इसे 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया 3 लिविंग 3 एक्सटिंक्ट तो जो लिविंग ऑर्डर्स है एन यू